नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टीडी पॉइंट पर स्वागत है फिर सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा छत्तीसवां तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की पिछले सेशन से आपने नहीं देखे हैं तो सारे के सारे सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप सारे सेशन को बना लीजिए क्योंकि पेपर आपका बहुत ही जल्द होने वाला है जैसा कि आपने सुना भी है कि पेपर की डेट अनाउंस कर दी गई थी और एडमिट कार्ड भी आप लोगों का निकल चुका है तो आप ये आखिरी तैयारी मानकर आप अपनी तैयारी को जुट जाइए चलिए आज का जो सेशन होने वाला हमारा थर्टी सिक्स इसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है कैलेंडर से कहा गया एक जनवरी दो हजार तेईस को सप्ताह का कौन सा दिन है या था ठीक है जब भी इस तरीके कोई प्रश्न देता है तो आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए और ये बहुत ही इजी तरीके से आपको अपने प्रश्न को फाइंड कराएगा यहाँ पे जो भी आपको डेट दी होती है उसमें से आप साल को ले लीजिए साल में भी किसको लेंगे राउंड में लेंगे अगर राउंड की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 2023 हज़ार है तो आप कहाँ तक लेंगे 2022 तक का लेंगे 400 साल के बाद शताब्दियाँ क्या हो जाती है जीरो हो जाती है इसलिए जब इसको फैक्टर करेंगे तो हम लोग इसको ये लिखेंगे दो हज़ार प्लस बाईस लिखेंगे दो के दिन हो जाएंगे ज़ीरो बाइस मान लीजिए सभी के सभी सामान्य वर्ष हैं तो एक दिन भी सम होगा इसलिए बाईस के बाईस ले लीजिए जबकि प्रत्येक चौथे साल क्या होता है लीप ईयर होता है तो हमको एक दिन और लेना होगा तो 22 को आप क्या करेंगे चार से भाग देंगे जितनी बार भाग जाएगी उतना ले लेते हैं तो यहाँ पे भाग दिए चार पच्चे बीस तो पांच बार और यानी ये हो जाएंगे आपके कितने 27 और इसको छोटा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा सात तरीके इक्कीस यानी छः बच जाएगा तो दोस्तों यहाँ तक के बिसम दिन कितने होंगे आपके छः ये प्रोसेस आपने सीख लिया अब हमें जनवरी में केवल एक दिन लेना है तो एक दिन ये छः दिन वो यानी कितना हो जाएगा सात या जीरो मतलब होता है आपका रविवार तो दिए गए ऑप्शन में आप किसका चुनाव करेंगे संडे यानी रविवार को कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं याद करना आपको सीधे कॉन्सेप्ट काम करना है फिर से मैं कहूँगा जिन्होंने सेशंस में कैलेंडर का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ से कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को देखिए और ऐसे सारे प्रश्नों को आप बना लीजिए कोई फॉर्मूला नहीं कोई प्रोसेस नहीं केवल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप सभी जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका कथन निष्कर्ष का कथन में कहा गया आपसे सभी कार ट्रक है सभी कार ट्रक हैं कुछ बाइक कार हैं कुछ बाइक कार हैं। निष्कर्ष आपके पास दिए गए हैं पहला निष्कर्ष आपका कहता है सभी बाइक ट्रक हैं। सभी बाइक ट्रक हैं। और फिर कहा गया आपका कुछ ट्रक बाइक हैं। कुछ ट्रक बाइक हैं। निष्कर्ष देखते हैं पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम सब सभी कार क्या है सभी कार आपका ट्रक है ट्रक बना दीजिए फिर कहा गया कुछ बाइक कार है कुछ बाइक कार है इसका मतलब बाइक बाहर भी जा सकती है बाइक अंदर भी जा सकती है यानी एक प्राथमिकता आपको ये लेनी है ये कार और ये बाइक और ये बाहर क्या हो जाएगा आपका ट्रक हो जाएगा दोनों में जो सही होगा वही आंसर सही होगा कहा गया सभी बाइक ट्रक हैं तो देखिए सभी बाइक ट्रक हो रही हैं और यहां से नहीं हो रही इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत है कुछ ट्रक बाइक हैं तो देखिए कुछ ट्रक बाइक हैं बिल्कुल सही बात है ये वाला भाग और ये देखिए यहाँ पे क्या है कुछ बाइक क्या कहा गया कुछ ट्रक बाइक है तो ट्रक का देखिए कुछ भाग ले रखा ना इसने ये दोनों बातें इसमें दिख रही है इसका मतलब क्या दूसरा निष्कर्ष आपका सत्य है आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं जब भी इस तरीके का कोई आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको करना क्या रहता है डायग्राम बनाइए और डायग्राम में अगर कही हुई बातें सब में दिख रही तो सही है कहा गया श्रृंखला में यानी सीरीज में पूछा जा रहा है श्रृंखला में गलत पद को चुने श्रृंखला में गलत पद को चुनें रॉन्ग टर्म्स का क्वेश्चन है आपके पास जो सीरीज दी गई है फोर्टी नाइन है नाइन्टी थ्री है वन एट्टी एट है थ्री सेवन नाइन है सेवन सिक्स फोर है और आपका फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन है पंद्रह सौ उनतीस है ऑप्शन ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि कौन से ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं उनमें से गलत का चुनाव करना है तो आपको फाइंड उन्हीं को करना है जो ऑप्शन में दिए गए पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन और आपका चौथा ऑप्शन है तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं और देखते हैं कि आंसर इसमें क्या सकते हैं आप ही देखिए यहाँ पे इस नंबर को और इस नंबर को देखिए तो नंबर क्या है बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से यानी गुड़े में बढ़ रहे हैं तो हम बात करते हैं तो छियालीस गुड़े दो करें तो कितना हो जाएगा बानवे और बानबे प्लस एक जोड़ेंगे तो तिरानवे हो जाएगा ट्रिक पकड़ पाए आ रही है तिरानवे गुड़े दो करेंगे और प्लस एक यहाँ जोड़ा है तो आगे एक या दो जोड़ कर देखते हैं तो राउंड में यहाँ पे बात करें तो दो जोड़ कर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आप तिरानवे गुड़े दो करेंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ छियासी हो जाएगा एक सौ छियासी प्लस दो करेंगे तो एक सौ अट्ठासी बिल्कुल सही है फिर इसके बाद देखिए अगले पद के लिए हम लोग क्या करेंगे एक सौ अट्ठासी घुड़े दो करेंगे प्लस तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका तीन सौ छिहत्तर प्लस तीन जोड़ेंगे तीन सौ उन्यासी अब यहाँ पे देखिए करेंगे तो तीन सौ छिह तीन सौ उनहत्तर गुड़े दो करेंगे प्लस चार जोड़ेंगे तो देखिए क्या सम बन रहा तो इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा, चोड़ा। चोड़ा एक। हो जाएगा एक बच जाएगा फिर यहाँ पे हो जाएगा, तीन दुनी छह एक सात हो जाएगा और प्लस चार जोड़ेंगे तो आपका कितना हो रहा है सिक्सटी टू यानी ये आपका सिक्स सेवन टू होना चाहिए जबकि यहाँ पे क्या हुआ सिक्स आपका सेवन सिक्स फोर दिया हुआ यही गलत होगा तो हमको दिए गए ऑप्शन में इसका चुनाव करना आगे वेरीफाई कर लेते हैं जब इस पद के बारे में बात करेंगे देखें सेवन सिक्स टू गुड़े आपको कितना करना होगा टू और प्लस कितना करना होगा फाइव तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा पंद्रह सौ उनतीस बन जाएगा इसका मतलब सारे के सारे पद क्या है सही है गलत का, गलत क्या था यही यानी सात सौ चौसठ के बजाय कितना होना चाहिए सात सौ बासठ होना चाहिए तो आंसर का आपका चुनाव करना अच्छा प्रश्न है ऐसे प्रश्नों को आपने बनाया होगा अब तक तो मैंने बहुत सारे प्रश्न कराए ऐसे सारे सेशन देख लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में आपका कोडिंग डिकोडिंग का है कहा गया किसी कोड भाषा में टी एच ई ओ आर वाई को लिखा जाता है आपका वाई आर ओ एच टी फिर कहा गया है उसी भाषा में ओ पी टी आई ओ एन को लिखा जाता है आपका एन ओ आई टी पी ओ तो आपसे पूछा गया है ई e एक्स पी ई आर टी को क्या लिखा जाएगा देखिए मैंने आपको बताया था ऐसे प्रश्नों के लिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा प्रश्न हो तो सबसे पहले देखिए जो आपका डिकोड किया गया उसको बनाया गया क्या उसमें सारे के सारे यही लेटर हैं क्या तो जब ये लेटर होते तो कोडिंग नहीं करते हैं। आप देखिए सारे लेटर वही है और क्रम देखिए ये बदल के रख गया यानी रिवर्स ऑर्डर रख दिया गया ओके तो हमें कुछ नहीं करना है हमने वेरीफाई किया सेम यही ये प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे रिवर्स करके रख दिए गए हमें भी रिवर्स करके रख देना है रिवर्स करके रखेंगे तो टी होगा फिर रखेंगे आर होगा फिर रखेंगे ई होगा फिर रखेंगे पी होगा फिर रखेंगे एक्स होगा और फिर रखेंगे ई होगा तो दिए गए ऑप्शन में इसका चुनाव करेंगे यही आपका सत्य होगा चलिए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं देखते हैं उसमें क्या पूछा गया सेशन में आपके कहा गया इस प्रश्न में रक्त संबंध का प्रश्न है कहा गया एक फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा रोहित क्या कहते हैं भाई इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं उसकी बहन उसकी बहन की माता बहन की माता उसकी बहन की माता मेरे पिता मेरे पिता की पुत्री की बहन है की बहन है तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है वह महिला रोहित से किस प्रकार संबंधित है वह महिला रोहित से किस प्रकार संबंधित है आइए बनाते इस प्रश्न को इजी है हमने आपको बताया फोटो वाले प्रश्न हो चाहे कोई भी हो उस प्रश्न को हमें बहुत इजी के तर, इजी तरीके से सॉल्व करना है फोटो की तरफ तो मान लीजिए ये महिला की फोटो है और रोहित क्या कहता है अभी रोहित को छोड़ते हैं रोहित क्या कहता है ये समझिए उसकी बहन यानी इस महिला की बहन की माता यानी दोनों की माता होंगी ना बहन की माता मतलब इसकी भी माता हो जाएगी क्लियर है भाई बता मेरे पिता तो रोहित को बना लीजिए ये रोहित हो गए मेरे पिता ये हो गए इनके पिताजी मेरे पिता की पुत्री मेरे पिता की पुत्री मतलब रोहित की बहन ठीक है ना पुत्री की बहन यानी ये दोनों क्या है सिस्टर है ये भी बहन है ठीक है ना क्या हो गया की बहन है वह महिला रोहित से किस प्रकार संबंधित समझिएगा यानी ये सब क्या आपस में भाई बहन है और इसके बाद क्या है यानी एक बहन तो ये है और एक बहन है जो जिसकी माता है और ये फोटो वाली महिला है तो इसका मतलब रोहित समझिएगा सबसे बड़ी बात बस दोस्तों इसकी बात करें तो ये माँ है और ये माँ की बहन है इसका मतलब ये मौसी है और माँ का भाई है तो इसका मतलब ये क्या है मामा है ठीक है ना अब देखिए किससे पूछा गया डिपेंड करता है महिला का तो सर्कल किसको करना है दोस्तों हमें महिला को सर्कल करना है ठीक है ना तो समझिएगा तो इस महिला के बारे में पूछा गया है तो ये महिला इसकी क्या हो जाएगी भांजी हो जाएगी इसका आंसर क्या होगा भांजी क्योंकि तो रोहित मामा है इसका मतलब इससे पूछा गया तो इसकी क्या होगी भांजी होगी क्योंकि महिला है तो ये है दोस्तों जानकारी इसका आंसर जो होगा वो आपका भांजी होगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू